स्नेक, अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी सबकी बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग एक घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसा ही एक मामला 2013 में फोशन वैंगडोंग चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब कौन फैन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसीलिए होता कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी महसूस कर सकते हैं और जब कुछ चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वह महसूस करके उस पर हमला कर देती है। कॉकरोच, कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हो, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इतनी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसीलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तो भी ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। 7 से 10 दिनों बाद इसकी मौत प्यास की वजह से हो जाती है। कॉकरोच का एक और रोचक तथ्य यह भी है कि ये बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक है और अपने बहुत से वीडियो भी देखे होंगे जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की ही तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है वह खुद हिलने लगता है और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते।